गाइस वेलकम टू फूडस्केप, अथर्व हियर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला बड़ी ही डिलीशियस सी रेसिपी जिसका नाम है कलामारी प्रीति। ये रेसिपी एक स्टार्टर रेसिपी है और ये बहुत इजीली बन जाती है। सो बेसिकली इसे आप माकुल भी बुला सकते हैं मराठी में, या इसे स्क्विड बुलाया जाता है, या इसे कालामारी भी बुलाते हैं। अगर आप मार्केट में घूमे हो या आपको मालूम होगा तो आपको बांगड़ा मिल जाएगा, झींगे मिल जाएंगे, पापलेट मिल जाएगा, सुरमई मिल जाएगी, बट ये कहीं नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको स्पेशली ऑर्डर करना पड़ता है, फिर ये आपको आती है। लोगों को इसको खाना तो पसंद है, लाइक ये एक्चुअली ऑक्टोपस फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए ये कुछ अलग सा है। लोग इसे खाना तो पसंद करेंगे बट पता नहीं है लोगों को कि कैसे बनाते हैं या फिर इसका टेम्परेचर कितना होगा। अगर इसको रॉन्ग टेम्परेचर पे कुक किया जाए तो इसका सीधा रबर बैंड बन जाएगा, कुछ इस तरह से दिखता है। और इसको आपको ऑर्डर करना पड़ता है स्पेशली, ये देखिए। तो आपको लेना है करीब करीब 100 ग्राम का मैदा, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर लेना है, नमक लेना है स्वाद अनुसार, और आपको लेना है लहसुन। यूजुअली कैसे होता है कि बॉडी की खाया जाता है स्क्विड का, बट अगर आप चाहो तो उसका फिन्स भी ले सकते हो और छोटे छोटे उसके जो टेंटेकल्स है वो भी ले सकते हो, ये भी खाने लायक होता है। बनके तैयार है और ये बहुत अच्छी बनी है। आपको ये डिश बनाते समय दो चीज का खास ध्यान रखना है। पहली चीज ये है कि आप जब नमक ऐड कर रहे हो तो आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नमक ज्यादा हो गया तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और इसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग ये है कि आपको कुकिंग टेम्परेचर का ध्यान देना है। इसको कुक करते समय या इसको आपको पकाते समय आपको हाई गैस पे कुक करना है और इसको 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट तक ही कुक करना है। उससे ज्यादा अगर आप कुक करोगे तो इसका सीधा रबर बैंड ही बन जाएगा। तो चीयर्स, एंजॉय दिस रेसिपी, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू फूडस्केप। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। Thank you.